Hey guys, hi, very very good evening to all of you and welcome to the session. This is your master teacher Harsh Priyam aur main aa chuka hu aap sabke samne live. To mere pyare bachcho, aaj hum log baat karne wale hain NCERT series ko aage badhane ka. और NCERT सीरीज में अभी तक हम लोगों ने जितने चैप्टर्स कर लिए हैं अब उसका नेक्स्ट चैप्टर करने वाला है. तो शायद तुम लोगों को पता होगा कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर्थ चैप्टर, अभी तक तीन चैप्टर हो गए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तक, शायद तुम्हें पता होगा. तो इस चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 4.1, और उसमें पहला क्वेश्चन. तो चलो शुरू करते हैं. हियर वी गो. फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, आराम से सॉल्व करेंगे मजेदार तरीके से. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कहता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट. आपको बस चेक करके बता देना है. तो यार सिंपल है, पहले वाले में तो x प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है इधर स्क्वायर है, इधर कुछ भी नहीं है, तो ये स्क्वायर तो दिख ही रहा है कम से कम. एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री है. कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये स्क्वायर कट जाए, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो हर हाल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा. तो यहां पर लिख देता हूं यस. वैसे ही दूसरे में देखो, तो ध्यान से देखो, यहां पे भी स्क्वायर वाला टर्म है और यहां पे जो टर्म है इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इधर कोई स्क्वायर आए और वो इसको कैंसिल कर दे. नॉट पॉसिबल. मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, पक्की बात. अच्छा आगे बढ़ते हैं. यहां पे देखो x into x x square होगा, लेकिन मेरे दोस्त साथ साथ देखो यहां पे भी x into x क्या हो जाएगा, x square. अगर सॉल्व करोगे इसको तो तुम्हें दिखेगा कि वो दोनों x square कैंसिल हो रहे हैं. अगर देख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं देख पा रहे हो तो मैं मदद कर देता हूं. मैंने क्या बोला, ये थर्ड वाले को ध्यान से देखो, थर्ड वाले में मैंने बोला कि यार इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई कर लो, अपने मन में कर लो. मैं करके लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक्स, और ये माइनस एक्स बनेगा और ये माइनस टू बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू, इधर बाजू वाले में क्या बनेगा, इधर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, प्लस टू एक्स माइनस थ्री, ऐसी चीज बनेगी. तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर खटाक उड़ गए, और उड़ने के बाद फिर तुम इसको सॉल्व कर लो भले, तो यहां पे तुम्हें देखेगा वन इक्वल्स टू थ्री एक्स. लेकिन ये तो एक लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. इसका मतलब हम कहेंगे कि यहां पर एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के कारण से दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एन क्लियर है? ठीक है, अब समझ गए होगा तरीका क्या है. तो बस वैसे ही देख लो, एक्स इंटू टू एक्स, x into 2x क्या होगा, इधर 2x square आ रहा है LHS में, और x into x इधर क्या आ रहा है, x square. तो भाई साहब एक तरफ 2x square और इस साइड x square, तो जाहिर सी बात है पूरा तो कैंसिल नहीं होगा, माइनस होगा, लेकिन फिर भी एक x square बचा रहेगा. तो मैं तुमको एक तरीका बता रहा हूं जिससे फास्ट आंसर निकल जाए. देखो सॉल्व करके तो एक तरीका हमेशा होता है, तुम इसको मल्टीप्लाई कर लो फाइनल आंसर देख लो, वो तरीका हमेशा होगा. लेकिन एक फास्टर तरीका क्या है, सिंपल देखो, x into 2x, 2x square, और यहां x square. मतलब एक x square तो बच जाएगा, मतलब ये भी quadratic equation होगा. yes. आगे देखते हैं अगले वाले में, 2x into x, x square फिर से बना, x into x, फिर से यहां सिर्फ एक x square है, तो मतलब पूरा कटेगा नहीं, पूरा कैंसिल नहीं होगा, मतलब ये भी एक quadratic equation होगा, अच्छी बात. अब यहां देखिए x square दिख रहा है, यहां x माइनस टू के होल स्क्वायर में साफ साफ समझ आ रहा है कि x माइनस टू का होल स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर निकलेगा ना, और वो एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे. सिंपल सी बात दिख रही है, बड़ा सिंपल है. तो जैसे ही कैंसिल आउट हो गया मतलब स्क्वायर वाला टर्म ही गायब हो गया. अगर स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया तो काहे का क्वाड्रेटिक भैया, कोई क्वाड्रेटिक नहीं, नो. ठीक है, और वैसे ही फिर आगे आ जाओ, एक्स प्लस टू का होल क्यूब है. यहां पर ध्यान मत देने वाली बात यह है कि यहां पर एक्स क्यूब एक टर्म बाहर आएगा, एक्स क्यूब. और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां जब मल्टीप्लाई तुम करोगे तो 2x into x square होने के कारण से 2x cube निकलेगा, पक्की बात. अभी cube की बात हो रही है, square की नहीं. तो यहां 2x cube, यहां सिर्फ x cube, मतलब जाहिर सी बात है x cube खत्म नहीं होने वाला है. और अगर x cube नहीं खत्म होगा तो मेरे दोस्त ये क्वाड्रेटिक नहीं बना, ये क्यूबिक बन गया, क्योंकि x cube वाला टर्म यहां पे है. अनडाउटेडली x square वाला भी टर्म होगा, लेकिन हमसे पूछा गया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट, तो क्वाड्रेटिक तो नहीं है भैया, क्यूबिक होगा. तो यहां पे लिखेंगे नो. और उसी तरीके से आगे एक्स क्यूब माइनस, तो यहां एक्स क्यूब का टर्म दिख रहा है, यहां पे भी एक्स क्यूब. साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहां वाला एक्स क्यूब और यहां वाला एक्स क्यूब गायब हो जाएगा, दिख रहा है, पक्की बात है. अच्छा गायब तो हो गया, लेकिन अब इसमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा वो भी सुनो भाई. एक्स क्यूब तो कटा,
अब लेकिन तुमको ये नहीं पता है कि x स्क्वायर वाला बचेगा या कटेगा। अगर वो कट गया ना तो तुम इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोल पाओगे, और अगर नहीं कटा तो बल्ले बल्ले। तो आपको एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन, आखिरी वाला एकदम, ये पूरा पूरा सॉल्व करना होगा। तो चलो कर देते हैं। इधर तो साफ साफ लिखा ही हुआ है, बस इसी को तो ओपन करना है, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब याद है? अगर नहीं याद है तो मैं मदद कर दूंगा, थैंक यू बोल देना बाद में। चलो इधर वाले को रहने दो, इधर देखते हैं। ए माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी याद है, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, तो थ्री इंटू टू, तो माइनस थ्री ए स्क्वायर बी मतलब सिक्स एक्स स्क्वायर, और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो प्लस थ्री ए बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर फोर थ्री ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व एक्स, और फिर माइनस बी क्यूब मतलब माइनस एट, और इधर जो टर्म्स हैं वो तो रहेंगे एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो साफ साफ समझ में आ रहा है एक्स क्यूब कटेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला टर्म पूरा पूरा नहीं कट रहा है, कटेंगे कुछ कुछ लेकिन पूरा नहीं कट रहा है, तो क्वाड्रेटिक तो हो जाएगा, पक्की बात क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये हो गया यस। तो अब देख लो आंसर क्या क्या आया। आंसर आया यस यस नो, यस यस नो नो यस, ठीक है। तो मैच कर पाओगे यस यस नो यस यस फिर नो नो वाई नो नो यस, देखते हैं ट्राई मारते हैं याद रहता है। तो पहले वाले का यस, दूसरे वाले का यस, तीसरे वाले का नो, चौथे वाले का यस, पांचवे वाले का यस, फिर नो 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 नो, फिर फाइनल वाला यस, आखिरी वाला यस। देखो सारे के सारे सॉल्यूशन मैंने दिखा दिया, आखिरी वाला जो हम लोगों ने सॉल्व किया था इसी को देखना था ध्यान से, तो हमारा भी ऐसा ही कुछ आ रहा था, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बच रहा है, ठीक है बल्ले बल्ले। चलो जिन जिन बच्चों को मजा आया और जानना चाहते हो मेरे साथ और पढ़ना चाहते हो, पूरे वेदांतों के साथ जुड़ना चाहते हो, तो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, vdnt.in/ytpro। जैसे ही उस लिंक पे जाओगे एक ऐसा पेज दिखेगा, अपने क्लास को सेलेक्ट करो, अपने बोर्ड को सेलेक्ट करो, फिर एक ऐसे पेज पे आओगे, यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक किया तुम्हें एक ऐसा पेज दिखेगा, यहाँ पे अपने मनपसंद जितने टाइम का, जो भी तुम्हारा पॉकेट सूट करे, जो भी तुम्हारा रिक्वायरमेंट हो वैसे सब्सक्रिप्शन को चुन लो। जो भी फाइनल पेमेंट आएगा, पेमेंट के पहले एक कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो HP Pro। इस कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड एट द सेम टाइम आप कोर्स ज्वाइन कर पाओगे कम दाम पे, ठीक है। बता दो वेदांतु में सारे के सारे क्रैश कोर्सेज, रिविजन कोर्सेज, सारे कोर्सेज लाइव हो चुके हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू रिविजन विद वेदांतु। अनडाउटेडली रिजल्ट्स तो वेदांतु इतने बेहतरीन दे रहा है, तो आप सब लोगों के लिए अभी बेस्ट मौका है, सबसे सही टाइम है वेदांतु के लाइव सेशंस को ज्वाइन करने का, ठीक है। तो डोंट वेट, जस्ट गो अहेड एंड टेक योर डिसीजन। फाइन, इसी के साथ अलविदा मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।